आज हम आपको भारत के एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक समय दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजी की सूची में अपना नाम दर्ज कर चुका है। तो आइए जान लेते हैं कि वह बल्लेबाज कौन है। हम जिस बल्लेबाज की बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि यूसुफ पठान है, जो पूरी दुनिया में अपनी बल्लेबाजी के नाम से जाने जाते हैं और इनके नाम क्रिकेट में कई रिकॉर्ड भी दर्ज हैं। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि आईपीएल 2020 में यूसुफ पठान को किसी भी टीम ने नहीं खरीदा। हालांकि यूसुफ पठान ने आईपीएल में बहुत सी यादगार पारियां खेली हैं। तो आइए जानते हैं कि यूसुफ पठान आईपीएल 2020 में क्यों नहीं खरीदे गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूसुफ पठान कई सालों से सिर्फ आईपीएल में ही अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय टीम से बाहर होने के बाद कुछ सालों तक उनका प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उनका प्रदर्शन भी खराब होता चला गया। और आपको बता दें कि भारतीय टीम में ना खेलने की वजह से आईपीएल में यूसुफ पठान का प्रदर्शन काफी खराब हो गया, और यही वजह है कि आईपीएल 2020 में किसी भी टीम ने इन्हें अपनी टीम में शामिल नहीं किया। बल्कि इनके अलावा हमें आईपीएल 2020 में कई नए चेहरे भी देखने को मिले। आपको क्या लगता है, क्या यूसुफ पठान को आईपीएल 2020 में मौका मिलना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर दें ताकि ये वीडियो आईपीएल का मैच शुरू होने से पहले सिलेक्टर तक पहुंच जाए और कोई खिलाड़ी आईपीएल से बाहर हो तो उसकी जगह यूसुफ पठान को मिल जाए। तो आप हमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।